आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वर्कबुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंडियन टैलेंट ओलंपियाड वेबसाइट से कैसे खरीदें, वो वीडियो हम बना चुके हैं, तो आपका देख सकते हैं उस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज उधर ऊपर आई बटन पर देखिए, वहाँ पर लिंक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये इसको आपको ऑर्डर करना होगा इंडियन टैलेंट ओलंपियाड वेबसाइट, तो आपको बता ही दिए कि वीडियो जाकर देख सकते हैं, नहीं ऑर्डर करना आता है तो कुछ दिन में आपको पहुँचा देगा आपका घर तक, और इसका चार्ज ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ये कुछ एक मतलब एक पैक होगा चिमकिल में, उसको आप ओपन करेगा तो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए इंडियन टैलेंट ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ट्रू कॉपीज, ये ट्रू कॉपीज होता है, इस इन साइड इसके अंदर क्या है, तो 4 सेट क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस एमर शीट्स, जिससे आपको एग्जाम में गलती ना हो, एमर शीट को भरना पहले ही सीख जाएं। फिर है आंसर किस, देख सकते हैं, फिर सॉल्यूशंस, और उसका सॉल्यूशंस रहेगा। तो कुछ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखा देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाए। इसी प्रकार सोशल साइंस, इंग्लिश, फिर जीके, और भी सब्जेक्ट का होता है, तो चलिए देखते हैं। और आपको बता दें कि ओपन करने के बाद ये कुछ इंटरफेस आएगा, और आपको बता दें कि जैसे आप जिस भी ईयर में हैं, तो आप जिस भी ईयर का फॉर्म भरे हैं उसके 4 साल पहले का क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा, देख सकते हैं। एक ये है जो सॉल्यूशंस वाला है, तो देख लेते हैं, देखिए कि 1 2 3 4, यानी 4 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, 4 ईयर पहले का। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखा देते हैं क्या क्या रहता है। तो देखिए एडिशनल 10 मिनट्स विल बी गिवेन टू स्टूडेंट्स टू फिल अप द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। इसका मतलब है कि एग्जाम से पहले, अच्छा आपको इससे पहले बता दें कि यदि आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के हैं तो ये सारी चीज़ें का आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को बढ़ाकर देख सकते हैं। यदि आप स्कूल से भरे हैं तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, या तो ये स्कूल के लिए हम बता रहे हैं। तो एग्जाम से 10 मिनट पहले आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, उसमें चिंतित करने की बात नहीं है। और टाइम है जो 65 मिनट दिया हुआ है, पर एक्चुअल जो टाइम है वो 45 मिनट मिलता है, चेंज हो गया है 2021-22 का हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप जो 2023 में आप देंगे तो वो 45 मिनट ही मिलेगा, और 50 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। सेकेंड में है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। यदि आप कैलकुलेटर यूज करना चाह रहे हैं तो ये भाई नहीं अलाउड है, और हर एक क्वेश्चन कंपल्सरी ही करना, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है। जैसे एक क्वेश्चन है तो एक मार्क मिलेगा, फिर दूसरा है तो उसमें भी एक मार्क, फिर तीसरा। ये है रिलेटेड कहाँ से, ये है रिलेटेड ओएमआर शीट से। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट एंड सर्कल योर रोल नंबर एंड सब्जेक्ट क्लियरली ऑन दी आंसर शीट एंड डू नॉट फॉरगेट टू साइन। सबसे पहले देखिए ओएमआर शीट को बारे में बता देते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट नेम भरना है, पेरेंट नेम, फिर स्कूल कोड, क्लास, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यूज HB पेंसिल, यानी कि जो देखिए जिसका पॉइंट शार्प पॉइंटेड हो, ऐसा नहीं है कि देखिए मोटा। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपको कौन सा कैसा यूज करना है, ब्लू ब्लैक, और आपको सही तरीके से ये भरने का दिया हुआ है, गलत तरीके से। तो देखिए यदि आप इसमें पूरी तरह से भर देते हैं तो ये सही है, करेक्ट वे टू डार्कन दी सर्कल, यहाँ पर है रॉन्ग वे टू डार्कन दी सर्कल, देखिए कुछ इस प्रकार, अगर कुछ इस प्रकार टिक लगा दीजिए, गलत कर दीजिएगा थोड़ा सा, या तो बीच में करेगा तो आपको यहाँ पर रिजल्ट ऑफ द इंडियन टैलेंट ओलंपियाड एंड अदर इन्फॉर्मेशन में बी सेंड टू यू थ्रू SMS एट द फ्लोइंग नंबर। यदि आप मोबाइल नंबर को भर देते हैं तो आपको मोबाइल नंबर के हेल्प से आपको भेज दिया जाएगा। फिर आप सब्जेक्ट, जेंडर, परसेंटेज जो आपका पिछला क्लास में था, फिर किस ग्रेड में है, और यहाँ पर देखिए
आपको क्या करना है, भरना। जैसे एक क्वेश्चन पहला का आंसर बी सही है तो आप बी भर दीजिए। और यहाँ पर सिग्नेचर जरूरी है, यहाँ पर क्या है, इन्विगिलेटर सिग्नेचर, जो आपका क्लास अटेंड कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से, राइट हैंड सर्कल ये देख लिए हैं। देयर इज ओनली वन आंसर, करेक्ट आंसर, हेंस मार्क वन चॉइस ओनली। यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर सही होगा तो आपको एक ही भरना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो डार्केन योर चॉइस विथ HB पेंसिल और ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन। या तो पेन कैसा होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली है, तो आपको ये इस प्रकार भर देना है। फिर देखिए सिक्स्थ, रफ वर्क शुड बी डन इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड इन द बुकलेट। यहाँ पर देखिए आपको रफ वर्क, देखिए स्पेस फॉर रफ वर्क, तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा रफ प्रोवाइड है। फिर सेवन्थ है, रिटर्न द आंसर शीट टू दी इंचार्ज टीचर एट द एंड ऑफ एग्जाम। एग्जाम के एंड में आपको ये जो आंसर शीट है भरने का वो दे देना है। तो यहाँ पर आपको नेम रोल नंबर है। फिर देखिए इसका जो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पैटर्न वाला है। फिर आगे देखिए यहाँ पर थ्री सेक्शन होता है, तो पहला सेक्शन सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब सेंटेंस में नहीं लिखना है। देखिए ऑप्शन दिया रहेगा, आपको भरना है। फिर आपको बता दें कि देखिए सेक्शन टू हायर ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन, फिर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन थ्योरी में रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा, उसी प्रकार सब रहेगा। और आपको इसके बारे में बताए दिया है ओनर सीट के बारे में। और एक रहेगा जो आपको, और इसको आपको बता दें कि इस पर आप यदि मंगवाइएगा तो चार पेज रहेगा, जैसे एक दो तीन चार पाँच। इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप इसको बाहर निकाल देंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है, जो चेक करने वाला एक मशीन रहता है वो इसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसको ठीक से भरना है, इसीलिए पाँच को दिया गया है। और इसका आंसर से एक्सप्लेनेशन रहता है, देखिए वन, जैसे ये 2018 का है। फिर यहाँ पर देखिए 2019 का ये एक्सप्लेनेशन है। जैसे देखिए एक है, एक के बाद आठ, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी सॉल्यूशन भी सब का नहीं दिया रहेगा, जो अंतिम में बता दे। पर उसका आंसर है, जैसे देखिए आंसर आपको पूरा को दिया रहेगा, देखिए जैसे 2018, 19, 20, 21, पर आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ कुछ का रहेगा जिसको रिक्वायर्ड है। तो आप देखिए 2020, 2021, और यही था। और एक इम्पोर्टेंट आप बात आपको बता दे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर आपको मिल जाएगा ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे मंगवाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ चुके हैं कैसा होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।